क्लैप कर, यहाँ है मेरे हस्बैंड और यहाँ है यहाँ इनके ब्रदर। मेहरान यार मेहनत करो, चीटिंग की है, चीटिंग की। सीधा झूठ बोला था तुमने। नहीं, मुझे मेरे ऑफिस में कहते थे आप बायरा खान की उसमें सुजल, और ये बहुत ज्यादा उसको लाइक कर दी थी और अब ये बात नहीं मांगी यार, वो मतलब इसमें नुकसान हो सकता है इस बात से। हाँ सही सही कह रहे हो, मुझे अपनी इस चीज़ पे काम करना है ना। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, यू गाइस हैव टू से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ओके दैट वाज टू लाउड। Assalamualaikum everyone, how are you all? Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है क्योंकि आज मैंने ग्रैब करी, यहाँ है मेरे हस्बैंड और यहाँ है इनके ब्रदर। बोथ आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट और ये दोनों मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब मैं जानता था हुसैन मुझे, आप मेहरान जानता हो, मैं इतना नहीं जानता। हुसैन मुझे बचपन से जानता है और मेहरान मुझे बचपन से जानता है। मेहरान मुझे कॉलेज डेज से जानता है और हुसैन जो है वो मुझे बचपन की डेज से जानता है। बट वो होता है ना कि आप हस्बैंड के साथ रहते हो, 24 घंटे रह रहे होते हो, तो फिर वो एक हस्बैंड को भी उतनी नॉलेज आपके बारे में हो ही जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सीरियस होता है, सोचते हम लोगों ने तो इसको सीरियस लिया ही नहीं था कभी। मसला है कि मेरी चीजें बहुत बदलती रहती है, यूं बदलती है यूं। तो अभी इसको फोन अच्छा लगेगा, बाड़ेगा नहीं, खराब फोन। तो दैट आई नो, तो ये बहुत टफ होने वाला है कंपटीशन हस्बैंड एंड ब्रदर के बीच में। हु नोज मी बेटर। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ आपकी क्वेश्चन आपसे करेंगे। आंसर लिखे आपको यहाँ पे दिखाना है। अब हमारे पास हाँ लिखना है, ठीक है। I'll ask the question, ठीक है, क्वेश्चन होगा और उसका। Can I have a pen? Yes, sure. तो मैं क्वेश्चन बताऊंगी, उसके आंसर मोटे वाले मार्कर्स नहीं तो उसकी उससे एनहेंस होते, वरना आंसर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ। टेक्स्ट कॉल और वॉइस? टेक्स्ट पहला नंबर भाई साहब, पहले नंबर भाई ले गए मेरे। मेहरान यार मेहनत करो। अच्छा, हमसे टेक्स्ट पे लेकिन मेहरान से वॉइस पे। हाँ ये बात है वैसे। टेक्स्ट मैं ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ टेक्स्ट में, क्योंकि उसमें लड़ाई इजीली हो जाती है, वॉइस पे तो बंदा पकड़ा जाता है अपनी गलतियां। ओके, मेकअप और फूड? बेटा आप जीरो, हम वन वन। आई एम फूडी। मेकअप पे जो इतने खर्चे होते तुम्हारे वो। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? ये तो भाई बदलती रहती है, ये तो आज से पता नहीं कौन सी चल रही है, इसकी वीडियोस वायरल हो रही होंगी। पेरिस, मालदीव। ऐसे पहले मेरा पेरिस था। सी ओ सही पहचाना, वैसे बिफोर मैरिज मेरा पेरिस, क्योंकि ये बैग्स भी लेती थी, जो भी हैंड कैरी भी ले रही थी उसके ऊपर एफिल टावर होना चाहिए था। तो अब इसने बदल लिया यार, ये तो गलत बात है ना। चलो पेरिस भी चले जाएंगे। सो फेवरेट कलर? यार जब तक हमारे घर पे थी ये था, अब का नहीं पता मुझे। जब तक हमारे घर पे थी तो यही था यार। मेरा तो मेरी चीटिंग की है, चीटिंग की कि वो हुसैन बिल्कुल सही बता रहे हैं, और शादी के बाद जो मेरी चॉइसेस है ना, मेहरान बिल्कुल सही बता रहे हैं। इट्स येलो नाउ पिंक, वो मतलब सही नहीं है इसका मतलब। बच्ची थी यार, कम ऑन। मेरा 10th ग्रेड का रिजल्ट? झूठी
तुम्हें A1 बताया था तुम्हें, A1 कभी नहीं आया घर में, किसी को नहीं आया A1। एक्सक्यूज मी, मेरा इंटर में आया था यार, ये तो मैंने बड़ा बुरा चैलेंज रखी, यहाँ मेरी पोले खुल रही है। कोक और पेप्सी, नहीं समझ में आ रही, वैसे कोक थी या बात चल पेप्सी होगी, पर पेप्सी पेप्सी। आई नेवर लाइक कोक, शी नेवर लाइक कोक। रोज मेहरान से पेप्सी मंगवाती हूँ और ये कह के मंगवाती हूँ कि पेप्सी लाना कोक मत लाना, क्योंकि कोक मुझे मीठी लगती है ज्यादा। सो द KFC और मैकडॉनल्ड्स, ना KFC ना मैकडॉनल्ड, ढाबा ढाबा। फिर भी KFC नहीं खिलाऊंगा इन दोनों को पता है, इसलिए तो किया है ताकि नेक्स्ट मुझे, ये अफ्तारी पे तो मुझे बुलाया नहीं इन्होंने। शॉपिंग और ईटिंग, ये मैं हुसैन जो है क्या ईटिंग, चलो आई डोंट लाइक टू, भाई जब तक ये हमारे पास थी तब तक बहुत, तब तक दोनों की शॉपिंग भी करती थी खाती भी थी, दोनों पे सेम खर्चा था, शायद मियां के पैसे बचा रही है। सही वो अलग बात है। हाँ ये भी बात है, मैं ना देख, हाँ तो रोज आ रहा है बेटा शॉपिंग, साल में एक दो बार, खाना रोज बाहर का आता है। मैं कितनी किफायतशुवार बीवी हूँ। ओके, व्हाट सेलिब्रिटी डू आई वांट टू मीट, माहिरा खान। माहिरा खान, नो वन, बस कर दो, मरी जा रही हूँ मिलने के लिए, ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत मायरा खान से मैच करता है, मुझे मेरे ऑफिस में कहती थी आप मायरा खान की शक्ल लगती है। अच्छा एक जमाने में तुम्हें पता है कौन पसंद था, जो कि तुम एडमिट नहीं करती हो इस बात को, सुजल, जो एक ड्रामा आता था कशिश वाला उसमें सुजल, और ये बहुत ज्यादा उसको लाइक करती थी और अब ये बात नहीं मानती, मतलब राइट आफ्टर दैट ड्रामा इसने कभी एडमिट नहीं की ये बात। यार वो ना वो एक स्टेज था वो जो हर किसी के ऊपर आया था, वो हर हर लड़की के, 90s के जो भी बच्चे ना उनके ऊपर, वो सब 90s की जो भी लड़कियां उन सब के ऊपर ये स्टेज आया था कि सबको सुजल से प्यार हो गया था, क्रश हो गया था, प्यार सुजल, सुजल क्रश। लेकिन बाद में ये बात एडमिट ही नहीं करती थी, इट वाज क्रश, शी ऑलवेज डिनाइज दिस, आज मान रही है, आज मान रही है, शुक्र माना, नहीं तो तुमने कभी ये बात मानी नहीं थी, मैं मनवा मनवा के थक गया। हुसैन तुम्हें कितनी पुरानी बातें याद है यार, अभी आगे आगे चलो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इंस्टाग्राम यार बस कर, यूट्यूब आप तुम यूट्यूब के पीछे पड़ गई है यार, ये यूट्यूब पे आनी है तो इसलिए है। हो गए, फेवरेट प्लेस फॉर वेकेशन, जहां जहां मैं अब तक जा चुकी हूं ना उनमें से मेरी फेवरेट प्लेस कौन सी है, चाइना, थाईलैंड, यस यस यस, इट वाज चाइना, थाईलैंड, मरे सब ये क्या यार, थाईलैंड की हमेशा इसने तारीफ की है, चाइना को मैं कैसे भूल गई यार, यस थाईलैंड मैं गई हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत मजा आया, मलेशिया में बहुत मजा आया, और चाइना में तो मैं रहकर आई हूँ यार, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो रहने की जगह तुमने छुट्टियों का बोला था ना, ऑस्ट्रेलिया भी रह के आई, ऑस्ट्रेलिया पसंद, हाँ ऑस्ट्रेलिया भी तो मुझे पसंद है यार, ऑस्ट्रेलिया भी यार मुझे सब पसंद है यार, यूज्ड टू अपलोड स्नैप्स टू, हां स्नैप्स पे एक्टिव होती थी, हर जगह पसंद मुझे घूमने का, मतलब फिर ऐसा सवाल किया क्यों, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक, ट्रैवल विदाउट सफर, वाह ये बोलती है ट्रैवलिंग का शौक है विदाउट सफर, तो क्या तुम परी हो या जो तुम ऐसी पहुंच जाओगी जादू से, सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं, बट मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मतलब पहुंच जाऊं मैं बस किसी तरीके से उस डेस्टिनेशन पे, मुझे उस डेस्टिनेशन के लिए सफर करना पसंद है। आपसे पूछा किसी ने, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, आई हेट मोस्ट Show me.
मैथ्स एनाटॉमी के बगैर तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो? फार्माकोलॉजी, हाँ, ये बहुत बुरा लगता था मुझे सब्जेक्ट अपने डीवीएम में थ्रू आउट। अच्छा, फार्मा किसको पसंद होता है यार? फार्मा तो सभी हेट करते हैं, पर एनाटॉमी तो फर्स्ट लव है यार। तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है मेरा भाई, तो इसको तो पसंद होगा ना एनाटॉमी, इसमें हड्डियां वड्डियां सब। बट अब इस बचपन में ना तुम डिजाइनर बन सकती हो, ना मॉडल, ना एक्टर। यार मुझे कोई फेवरेट मूवी है मेरी, बट मुझे पता नहीं है कौन सी है, मतलब याद नहीं आ रहा है। मुझे तो नहीं है कोई सीरीज आजकल एलीट है जो तुम पसंद की। नहीं, मुझे ड्रामा एक्चुअली पसंद है। ड्रामे देखती हूँ, ड्रामे में मुझे जिंदगी गुजारे बहुत ज्यादा है। माय फेवरेट ड्रामा, ओके, व्हाट्स माय फेवरेट सीजन, लाइक सीजन मतलब मौसम। स्नो वगैरह में तुम नाची हो रही थी तो क्या करती, वो तो करना पड़ता है ना। मतलब वैसे आई डोंट लाइक विंटर, अजीब सी स्किन ड्राई हो जाती है, अजीब अजीब सा फीलिंग होती है मुझे। सैड, व्हाई? आई एम सॉरी। One thing I hate about family gatherings. अब क्या लगती है वहाँ पे जाकर, मतलब जो मैं नहीं करना चाहती। सही। लोगों के सवाल जो और तस्वीरें स्टेज पे, तस्वीरें इंटरेक्शन नहीं पसंद इसको। शादी पे जाओ तो इंटरेक्ट कैसे नहीं करे, समझा दो। मतलब एक एक से जाके मिलना और सबको ग्रीट करना अच्छी बात है जो कि करना चाहिए, बट मुझे ना पसंद नहीं है इतना मिलना। तो मैं सही था ना? आई वाज राइट। या बेटा ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? वैसे मैं हैरान थी, एक क्वेश्चन मतलब लोगों के फजूल फजूल सवालों के जवाब देना, और हाँ बस मिलना, इंटरेक्ट नहीं करना ना। भाई इंटरेक्ट करोगे तो सवाल भी होंगे ना। हाँ, दैट इज द सेम थिंग। इंटरेक्ट नहीं करोगे तो सवाल ही नहीं होंगे ना, ऐसे काम ही ना करो तो सवाल। क्राइम आई कमिटेड व्हेन आई वाज 10। और तुम दोनों को पता है, व्हेन यू वर इन 10th ग्रेड। बहुत सारी बातें पता है और इसीलिए तो मैं क्राइम सोच में पड़ गया। एक बार जबरदस्त क्राइम में बताऊंगा ऑफ द कैमरा विथ माई ब्रदर्स, जो अभी एक बिहाइंड द कैमरा और ये इसके साथ मिलके हम लोगों ने बंक किया था। हम न्यू हैदराबाद सिटी गए थे, जो वो हलनाका वाली साइड है हैदराबाद। हाँ, और हम लोगों ने अकेले, मैं छोटी सी बैठी हुई हूँ और मैं लंच भी लेके गई थी, लंच बैठ के खा रही हूँ और पार्क था बिल्कुल खाली और बहुत खतरनाक हमने हरकत की थी। और ये दोनों भी कुछ बड़े नहीं थे, एक दो साल का फर्क है इन लोगों का भी और मेरे भी। एक दो साल का, मेरा हुसैन से तो 5-6 साल का फर्क है। 5-6 साल भी नहीं है, चौकीदार से खुला है। हाँ, और चौकीदार ने पता नहीं खोला कैसे था। बोट भी चलाई थी हमने, बोट चलाई थी हमने। मैं मदरसे में जाता था तो आई यूज टू वेयर कैप, मदरसे वाली टोपी। और मैं, हम लोगों ने, मुझे याद है हम लोगों ने बैठ के ऑरेंज खाया वहाँ पे यार, बहुत खतरनाक हरकत की थी। और बस पे हम लोग बैठ के गए, मुझे लोकल बसेस, लोकल बसेस जो अभी तक मुझे नहीं पता चले हर तरह के और सब, मतलब मुझे ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब वो इतनी कॉमन भी नहीं है ना ये, बिल्कुल भी, तो बहुत खतरनाक। और
ये मेरे अम्मी अब्बू को अभी तक नहीं पता, ये शायद अगर वीडियो देखेंगे अम्मी अब्बू आई एम सो सॉरी कि हम लोगों ने लोग पैदल आए थे और फिर हम लोगों ने क्या पैसे थे हमारे पास, पैसे भी नहीं थे, लंच बॉक्स था मेरा, ये मदरसे में होता पैसे थे कुछ थे हाँ। और पता है फिर हम लोगों ने क्या हरकत की, हम लोगों ने पूरा अपना टाइम स्पेंड किया, जब छुट्टी का टाइम आया ना तो हम लोग दोबारा से स्कूल आ गए और फिर वहाँ पे हमारा ड्राइवर हमें पिकअप करने के लिए आया था, मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि हम लोग स्कूल गए ही नहीं। वन थिंग यू गाइज हेट अबाउट मी, वन थिंग यू गाइज लव अबाउट मी, अब ये भी लिखो इसमें मेरी छुट्टी है। क्या लिखने वाले हैं ये लोग, पूरी सप्लियां लगाना शुरू कर दी, कोई बोर्ड के एग्जाम्स नहीं चल रहे। नेवर अटेंड कॉल और रिप्लाई एनी टेक्स्ट ऑन टाइम, ये तो है यस, ये शिकायत पूरी दुनिया को है मुझसे। तो ये किसी दिन नुकसान हो सकता है इस बात यार, हाँ सही सही कह रहे हो, मुझे अपनी इस चीज पे काम करना है, मुझे अपनी इस चीज पे काम करना है यार, मैं क्या करूँ, मेरा फोन है जो कि वेदान के पास रहता है, तो मेरा भी फोन है, हमारे पास एक फोन ही बचा है सना और मेरा, वो भी मिताली के पास है, फिर भी हम लोग अटेंडिव रहते हैं। जब कॉल्स आती है ना तो वेदान ना ताकि मामा मुझसे फोन ना ले रहे तो वो कॉल कट कर देता और मुझे पता ही नहीं चलता, तो इसमें ना मेरे घर वाले मुझसे बड़े नाराज रहते हैं। अच्छा नाउ यू टेल मी, टाइम मैनेजमेंट, इसमें हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती है ना, इसके हर बार कल ही हुई थी, कल ही हमारी हुई है शॉपिंग पे जब जा रहे थे हम लोग, हमारी लड़ाई हुई है। लाइक लाइक बताओ बताओ, केयरिंग फॉर फैमिली, गोल ओरिएंटेड एंड कंसिस्टेंट, कुकिंग, खाना बहुत अच्छा बनाने लगे माशाल्लाह, और she is the best mom and wife। ओह ये जो एंड में बोला है ना, इसने सारी अपनी गलतियों पे पर्दा डाल एंड में बोल के हमने आपको बचाया है, he is very smart, मैं तो बता सिर्फ सिर्फ राइट स्मार्ट। I hope you guys enjoyed this video. बेटा तुम हार गई हो, हम दोनों जीत गए, ये तो स्कोरबोर्ड देख के पता चलेगा, आई डोंट नो, हम लोग तो बस क्वेश्चंस कर रहे थे। अच्छा तो जीतने को क्या मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर, मेरा प्यार, प्यार नहीं चाहिए, प्यार तुम्हारा बहुत हम लोगों को मिल गया, इसीलिए तुम्हें भेजा है यहाँ पर हमने। तुमने अब जो भी जीता है उसका गिफ्ट हैम्पर उसके एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस फन वीडियो विद माय बिलव्ड वंस, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर के साथ, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अमेजिंग लगा और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा एंजॉय किया आपने, and yeah thank you so much, I love you guys, I love you my support you system too. My pillars, I love you, thank you, chale Allah Hafiz, so I'm gonna end my video here, Allah Hafiz, you guys have Allah Hafiz, bye।